मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा अभिनय के बाद में सबसे रुचिकर सब्जेक्ट है वो राजनीति है, और मैंने पॉलिटिक्स में बीए किया है और मैं लर्नर हूँ। लेकिन मेरी देखिए जिम्मेदारियाँ होती हैं, मैं निष्क्रिय राजनीति करता हूँ, सक्रिय अभिनय करता हूँ, क्योंकि अभिनीति हमारी 90% 10% सेवा, वो आप राजनीति में रख लें या किसी में रख लें या देश दुनिया के जो भी मानवता के लिए जो भी हमें हम कर पाते हैं वो हम बचपन से ही कर रहे हैं। और इसीलिए हमने 2016 में एक पार्टी भी बना दी थी, सर्वसंभाव पार्टी, 100-150 विधायक भी हमने लड़ाए थे उत्तर प्रदेश में। हम कभी राजनीति को ये नहीं देखते, हमें जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जिसका पूरी दुनिया में सिलेक्शन हो चुका है उसको एक जिले में इलेक्शन लड़ने की मुझे नहीं लगता किसी अभिनेता को जरूरत है। बहुत सारे अभिनेता ने लड़ा भी है, चाहे तो उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है। कल्चरल एक्टिविटीज, ये आपने सबसे अच्छा प्रश्न पूछा कि हम सच में झारखंड जो है ओत प्रोत है कला कल्चर से, और यहाँ के राज आज नहीं जब हम हिमाचल प्रदेश में सोलन में जब हम अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता ज्वाइन करते थे तो हमेशा कोई एक टीम झारखंड, दो टीम झारखंड की होती थी, और 32 टीमें आई तो हमेशा झारखंड की टीम के अच्छे नंबर आते थे। सर, जिस तरीके से मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं, सर क्या लगता है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले दिन? 100% जिसमें 96% प्रदूषण रहित ऑक्सीजन हो, जिस प्रदेश में जो जंगल से बिल्कुल बताएं कि कहाँ पर्यावरण मिलता है, हम सब सौभाग्यशाली हैं, तो झारखंड तो हब बन सकता है कला कल्चर का। आप लोग आगे तो बढ़िए, आप इसको प्रमोट करिए, आप आगे बढ़ते रहिए, यहाँ से हर साल 10 फिल्में बने, और कोशिश करूँगा कि 10 फिल्म का हिस्सा हों, और नहीं तो ना ही भी हिस्सा हो पाऊँ तो छोटे भाई बड़े भाई सब बनाएं, मुझे जहाँ भी बताएं मैं प्रमोट करने के लिए तैयार हूँ।